आप देख रहे हैं फास्ट समाचार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। देश में महामारी कोरोना वायरस को देखते हुए करेरा नगर और ग्राम पंचायत दिनारा में जो दिहाड़ी मजदूर गुजरात, पुणे और अन्य राज्यों की तरफ से पैदल ही अपनी मंजिल अपने घरों की ओर निकल कर आए हैं, उन्हें जिला पंचायत सदस्य दिनेश परिहार के द्वारा भोजन पानी और छोड़ने की व्यवस्था की गई। ये स्वयं अपनी गाड़ी से झांसी तक छोड़कर आए। वहीं दूसरी ओर दिनारा में भी सतीश अमर के द्वारा दिहाड़ी मजदूर बाहर से आ रहे हैं, उन्हें भी भोजन की व्यवस्था की गई है और दिनारा पुलिस द्वारा लोगों को साधन कराकर लखीमपुर खीरी छुड़वाया गया। ये क्रम प्रतिदिन चलता है। दिनेश परिहार से इस संबंध में जब बात की गई तो उन्होंने बताया, कोरोना वायरस के जो लोग परेशान भूखे प्यासे हैं, गरीबों और असहाय लोगों की सहायता करने में अच्छा लगता है। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम भैया आ रहे हैं गए थे, कार्रवाई करते हैं, बस लेकर के गए थे वहाँ छोड़ने। अच्छा। वहाँ से ये लॉकडाउन हो गया। हाँ। उस दिन हमारी ट्रेन थी 10 बजे रात में, वो भी कैंसिल हो गई। अच्छा, अच्छा। 3 दिन से वहीं पड़े रहे कि हमने कहा चलो कोई चालू है भैया। अब कैसे आ रहे हो, कहाँ से होके आ रहे हो? सब बीच बीच में पैदल चलते चले आ रहे हैं, कहीं ट्रक द्वारा सहारा करके, कहीं कुछ धीरे धीरे करके हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। अब यहाँ ट्रक वाले नहीं, इधर अब तक भैया लोग मिले। चल भैया कहाँ से आ रहे हैं? रास्ते में खाना वगैरह क्या रहा? रास्ते में खाने वगैरह तो बीच बीच में भैया जो है कहीं ढाबे भी नहीं खुले, कुछ नहीं खुले, तो कई मिलिट्री वाले जो है खिचड़ी विचड़ी दे देते थे, बाकी कहीं चाय मिलती थी तो अपना चला लेते। चलो आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम तो लखनऊ जा रहे हैं भैया, और जो है ये उरई जा रहा है और ये झांसी जा रहा है। चलो ठीक। आप लोगों, आपको ये लोग कहाँ मिले? जी हाईवे पर मिले भाई साहब। तो आप इनकी छुड़वाने की व्यवस्था कर रहे हैं? जी मैं अपनी गाड़ी भेज रहा हूँ, ड्राइवर को भेज रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि इनको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक छुड़वाने की। अगर इनको कहीं मतलब झांसी तक तो छुड़वा ही देंगे, क्योंकि इनको काफ़ी दूर जाना है। तो झांसी तक इन उधर इनको कोई साधन मिल सकता है, ट्रक वगैरह कानपुर चुंगी के आसपास, तो ये लोग निकल जाएं, क्योंकि इनको 5-6 दिन हो गए हैं पैदल आते आते। बॉर्डर पे बैठाते भी नहीं ट्रक वाले। ये क्या ट्रक वाले इनको रोकते नहीं है, तो अभी हाईवे पे मिले हैं, तो मैं अपनी गाड़ी भेज रहा हूँ, ड्राइवर को भेज रहा हूँ, तो उसके द्वारा इनको छुड़वा देता हूँ। साहब ने बोला है, एसडीएम साहब ने, कि अगर कोई रोकरागी करता है तो मेरी बात करा देना। ठीक। तो इसलिए अब जो बेचारे पैदल आ रहे थे 5-6, इसको तो 5-6 दिन हो गए हैं पैदल, अहमदाबाद से चल रहा है। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? गुजरात से आ रहे हैं सर। क्या नाम है? श्याम। अच्छा, रास्ते में आपको क्या परेशानी हुई? कोई परेशानी नहीं, खाना पीना सब कुछ मिला, गाड़ी भी मिली। अच्छा अच्छा। अब आप लोग कहाँ जा रहे हैं? जी सर हम जा रहे हैं यूपी हमीरपुर। तो वहाँ से पैदल ही आ रहे हैं गुजरात से? नहीं सर, अभी तो गाड़ी से आए, अभी पैदल हो गए थे, गाड़ी वाला चला गया। अच्छा अच्छा जी सर। और रास्ते में कहाँ कहाँ मिला आपको खाना? खाना हर जगह मिला, जहाँ हमको सुविधा मिली हर जगह खाना मिला हमको। अच्छा, तो गुजरात से भाग के क्यों आए? नरेंद्र मोदी ने बोला है आपसे कि आप जो है ये वहीं शट डाउन रहे हैं, आप जहाँ पे भी रुके हुए हैं, इसके बाद ही आप क्यों भाग रहे हैं बताएं? सर वहाँ पे खाने के लिए इतना राफर महंगा हुआ था, हमारे खाने के लिए पैसा नहीं था, इस वजह से भाग के आना पड़ा। की दुकान राशन वाला बंद करके सर भाग रहा था, तो हम क्या करें, हमारे पास पैसा नहीं तो सर भूखे थोड़ी हम मरे। अच्छा, आपका आपका नाम क्या है? जी हमारा नाम राकेश निषाद है सर। अच्छा अच्छा, आप लोग कितने लोग हैं साथ में? हमारे साथ में सर इस समय हम 14 आदमी हैं, और हमारा पूरा गैंग और 40-50 आदमी कभी पीछे आ रहा है सर। अच्छा अच्छा जी सर। अच्छा। अब वहाँ राशन वाला राशन का दुकान बंद करके भाग जाता है, बोलता है मेरे पास राशन ही नहीं है, जब पैसा दोगे तभी आपको राशन देंगे, तो सर वहाँ भूखा हम थोड़ी मरेगा, पब्लिक लोग कहाँ से कहाँ जाएगा हम। अच्छा, यहाँ आप लोग कहाँ जा रहे हैं? यहाँ हम सिर्फ हमीरपुर जा रहे हैं सर। अच्छा अच्छा, तो अब यहाँ रास्ते में कहीं रुकोगे या सीधे जाओगे? नहीं सर, हमें रास्ते में क्या रुकना है, जा रहे हैं अब, चलते चलते जो कुछ मिलेगा साधन तो बैठ जाएंगे, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, चलते ही रहेंगे सर। अच्छा, भूखे प्यासे तो चलते ही रहेंगे ना। ठीक है, प्रशासन के द्वारा कोई मदद की गई आपकी? जी सर हमें रास्ते में मदद की गई है, लेकिन सर अभी यहाँ फिलहाल जब यहाँ अभी पहुँचे हैं झांसी के पास में, तो अभी तो कोई मदद नहीं हुई है, कल तो खूब मदद हुई है, परसों खूब मदद हुई है, लेकिन आज अभी तक कोई मदद नहीं हुई है सर। चलो काट दी, काट दीजिए। ये लोग जो है गुजरात से चले आ रहे हैं, ये जो है 22 लोगों का जत्था है, और ये जो है पैदल ही गुजरात से आ रहे हैं, इनको रास्ते में खाना पीना भी मिला है, लेकिन ये लोग परेशान हैं। परेशान क्यों हैं कि जहाँ रहते थे वहाँ पर जो है इनको जो है फैक्ट्री मालिकों ने भगा दिया है, और खाने के लिए इनके पास साधन नहीं था, इसलिए ये लोग जो है चले जा रहे हैं। ये लोग जो है गुजरात से हमीरपुर जा रहे हैं। संजय गुप्ता,